सुप्ते हमि न दृश्यन्ते दुःखदोष प्रवृत्तयः अतस्तस्यैव संसारः न मे संसर्तृसाक्षिणः न मे संसर्तृसाक्षिणः। तो हमने पिछले प्रवचनों में देखा कि जो साक्षी है वही आत्मा है और वही शुद्ध अहम है, वही हमारा स्वरूप है। और जो आज हमने अपने आप को मैं माना है वह केवल व्यावहारिक स्तर पे ही सत्य है। प्रमाणों के द्वारा और युक्ति से यदि हम उसको कसना चाहें कि सत्य है क्या, तो उस कसौटी पर वो खरा नहीं उतरता। उसमें अनेक दोष दिखते हैं, उसमें परिवर्तन है, सुखी दुखी होता है, इदम है, ममता है, अनेक चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इसलिए साक्षी जो है वही मेरा स्वरूप है। यहाँ पर कहा कि सुषुप्ति के उदाहरण से भी हम ये बात समझ सकते हैं कि जब सुषुप्ति में अहम भाव लीन हो जाता है तो पूरा संसार ही लीन हो जाता है। जैसे हम आंख बंद कर ले तो हमको कुछ भी नहीं दिखता, ऐसे यहाँ पर अहम के बंद हो जाने पर या लीन हो जाने पर संसार का दर्शन नहीं, संसार के सुख दुख नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं, एक पूरी तरह अभाव का हमको ज्ञान होता है, अभाव का अनुभव होता है। तो इससे स्पष्ट है कि अहम और संसार दोनों नित्य सखा है, नित्य साथ में रहने वाले हैं। अहम आया नहीं कि संसार आया, नींद में अहम का अभाव तो संसार का भी अभाव। तो इस तरह यहाँ पे साक्षी से अहम अलग है। देखिए वहां पर अहम का तो अभाव हो गया लेकिन साक्षी का अभाव नहीं हुआ है। नींद में आत्मा का अभाव नहीं है, नींद में जो अहम वृत्ति है या जो जो मेरे परिचय है, मेरे संबंध है, वो सब वहाँ पे लीन हो गए, लेकिन मैं मृत नहीं हुआ, मेरा अस्तित्व है, मेरी सत्ता है। और यह साक्षी ही पूरे सुषुप्ति को जानता है। इसलिए 11वें श्लोक में बात आई कि सुषुप्ति में अहम तो चला गया, लीन हो गया, तो जानता कौन है। तो यहाँ पर साफ लिखा है, स्पष्ट है कि आत्मा ही उस समय दृष्टा है उस पूरी अवस्था का। देखो इसको पढ़ते हैं हम 11वां श्लोक। सुप्त सुप्तिम न जानाति ना सुप्ते स्वप्न जागरौ जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति नाम साक्षतो हम तत्दशः साक्षतो हम तत्दशः। ये एक प्रश्न आ सकता है कि नींद में यदि मैं सो गया हूँ, मेरा अहम भाव लीन हो गया है, तो क्या इसका अनुभव करने वाला कोई बचता है क्या नींद का? तो हाँ, अनुभूत अवस्था तो है, ऐसी अवस्था नहीं है कि जिसका अनुभव ना हो। तो वहाँ पर अनुभव करता कौन है और अनुभव का विषय क्या है, ये दो चीज़ें हैं। तो कहते हैं कि अनुभव करता है साक्षी या दृष्टा, और उसका अनुभव क्या है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, अभाव, यही वहाँ अनुभव का विषय है। ध्यान से सुनिएगा, जागृत और स्वप्न में
जब हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तो वहाँ वस्तु का भाव होता है, वस्तु कुछ न कुछ वस्तु वहाँ होती है, उसका अस्तित्व होता है। लेकिन सुषुप्ति में चूंकि कोई वस्तु ही नहीं है तो वहाँ पर बोलना पड़ेगा अभाव। लेकिन वेदांत में कहा कि अभाव भी एक वस्तु है। इस अभावात्मक अवस्था का अनुभव हो रहा है तो अनुभव का विषय क्या है? कुछ नहीं। जैसे हम किसी कमरे में जाते हैं, कोई पूछता है कमरे में कोई है क्या, देख के आइए। जब वो व्यक्ति जाता है और देख के आता है तो क्या कहता है? वहाँ कोई भी नहीं था। तो कोई भी नहीं, इसकी भी एक क्या बनी? वृत्ति बनी, वो भी एक अनुभव है। कोई है ये अनुभव है, तो कोई नहीं है ये भी एक अनुभव है। अपने हाथ में कोई आपने वस्तु पकड़ी है तो वो वस्तु दिख रही है। जैसे घड़ी हमने हाथ में ली तो घड़ी है, घड़ी को छोड़ दिया तो हम कहते हैं कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है ये आपने जाना कैसे? कुछ नहीं की भी वृत्ति बनी, शास्त्र की भाषा में इसको कहते हैं अभाव की वृत्ति बनी। अभावाकार वृत्ति बनने से ज्ञान क्या हुआ? कि कुछ नहीं है। जब कोई वस्तु रख दी तो वस्तुआकार वृत्ति बनी। तो नींद में इस तरह अभावाकार वृत्ति ही अनुभव का विषय है। इसलिए वहां पर हम है तो सही, लेकिन जागने पर हम ये कहते हैं कि वहां कुछ भी नहीं था। तो वहां पर अहंकार सो गया था लेकिन साक्षी जान रहा था। अहंकार के लय को और अहंकार के उदय को, दोनों को जानने वाला है साक्षी। इसलिए यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा, सुप्तः सुप्तिम न जानाति। सुषुप्ति को वो नहीं जान सकता जो सो गया है। तो सोने वाला कौन है? तो अहंकार, वो नहीं जानता। फिर कौन जानता है? तो बोले अंतिम वाक्य देखिए, साक्ष तो अहम तद्दश, मैं उस अभाव अवस्था का साक्षी था। जे जागना और सोना ये अहंकार का लक्षण है, अहंकार का धर्म है। साक्षी सोता जागता नहीं है, उसकी चेतना आती है जाती है ऐसी नहीं। उसके लिए लिखा है अविपरिलुप्त चैतन्य है, उसकी चेतना सतत है। अहंकार जब लीन हो गया तो वहां उसमें चेतना दिखती नहीं, लेकिन साक्षी तो हमेशा है। इसलिए यहां लिख दिया कि जो अहंकार है उसी में स्वप्न सुषुप्ति जागरण तीनों है। लेकिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति नाम साक्षतो अहम तद्दशः, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का संबंध अहंकार से है, अहम से, लेकिन साक्षी से नहीं है। साक्षी केवल उसको जानता है। और कैसे जानता है? तो बोले बिना उसमें आसक्त हुए, बिना उसमें आसक्त हुए। कल जैसे हमने उदाहरण दिया था दीपक का, दीपक सबको प्रकाशित करता है लेकिन अब प्रभावित रहेंगे। अब देखो एक यहां पर बात हम विचार करते हैं एक विषय को। साक्षी ज्ञाता है, साक्षी जान रहा है, लेकिन जब जागृत और स्वप्न में हम रहते हैं उस समय हमारी बुद्धि जागृत रहती है। और इस बुद्धि का धर्म है जानना, और बुद्धि से मैं मिलकर अपने आप को बोलता हूं अहम ज्ञाता। ध्यान से सुनना, अहंकार जब जानने की क्रिया के साथ जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञाता। अहंकार जब क्रिया से जुड़ता है तो उसी अहंकार का नाम होता है कर्ता।
वही अहंकार जब भोग करता है तो उसका नाम होता है भोक्ता। तो यहां विषय अभी ज्ञाता का है। पूरे जागृत अवस्था में जानामी जानामी ये क्रिया हो रही, मैं जान रहा हूं, और एक के बाद एक बुद्धि के सामने विषय आते हैं और मैं जानते रहता हूं। तो अब बुद्धि जानती है, या चलिए अहम जानता है, उसको ज्ञाता कहते हैं। और अभी आपने कहा कि सुषुप्ति में कौन जान रहा है, तो बोले साक्षी। तो साक्षी भी एक ज्ञाता है और यह अहंकार भी ज्ञाता है। ध्यान से जरा इसको सुनना। साक्षी किसका ज्ञाता है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का। और अहंकार किसका ज्ञाता है? तो जगत के विषयों का। अब यहां पे कोई ये प्रश्न कर सकता है कि साक्षी किस तरह जानता है और अहंकार किस तरह जानता है, दोनों के ज्ञातृत्व में क्या फर्क है, कैसे जानता है? तो देखिए, पहले हम अपने आप को, जो अहंकार जो ज्ञाता है, अपने आप जो हम अपने आप को कहते हैं ज्ञाता, तो हम ज्ञाता कैसे बनते हैं? तो ज्ञाता में देखिए, सबसे पहली बात, क्रिया इन्वॉल्व है, क्रिया, नोइंग, जानने की क्रिया है। इंद्रिय वहां पे है, बुद्धि है और क्रिया है। हम आंख खोलते हैं, सूर्य को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, तो आंख से वो आकार जाता है बुद्धि में, बुद्धि से जाता है मुझ में, और एक वृत्ति बनती है कि हाँ सूर्य है। तो इसमें क्रिया है, सबसे पहली बात तो ये है, अहंकार जब जानता है तो क्रिया है। दूसरी बात, जब हम किसी चीज को जानते हैं तो उसमें प्रयत्न होता है, प्रयत्न पूर्वक समझने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं। प्रयत्न में, प्रयत्न से थकावट आती है, इसलिए हम थक जाते हैं, कोई चीज जान रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद कहते हैं अब बंद करो, अब समझ में नहीं आ रहा है, या मेरी बुद्धि की सामर्थ्य अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसमें प्रयत्न है। और जहां भी कोई प्रयत्न होगा, किसी भी चीज में आप देखिए, चल रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक चलते हैं तो चलने के बाद थक गए, दौड़ रहे हैं थक गए, तो जानने की क्रिया हो रही है और क्रिया में प्रयत्न है, तो प्रयत्न से क्या होती है? थकावट। ये जानने की क्रिया का हम विश्लेषण कर रहे हैं। तीसरी बात, जो हम ज्ञाता बनते हैं इस जागृत जगत के और स्वप्न जगत के, तो इसमें क्या होता है कि जो विषय है, उन विषयों को जब जानते हैं तो विषय का प्रभाव भी हम पर पड़ता है। मतलब अनुकूल विषय है तो वो ज्ञाता बड़ा खुश होता है, वाह बहुत अच्छा जाना, बहुत अच्छी चीज थी, समझ में आई, वी एंजॉय, प्रसन्नता उसमें ज्ञाता को मिलती है। ऐसे ही ठीक इसके उल्टा भी देख लीजिए, ज्ञान का विषय यदि प्रतिकूल हो, हाँ दुख देने वाला हो, तो जानने के बाद खिन्नता आती है, जानने के बाद मूड खराब हो जाता है। आजकल कई लोग कहते हैं कि अभी जो वातावरण चल रहा है, बोले हमने ज्यादा न्यूज देखना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि इतना नकारात्मक, इतना मतलब दुखदायी सारी घटनाएं घट रही है, तो जानने मात्र से जो है वो ज्ञाता दुखी। हमारे एक परिचित थे, वो ब्रिगेडियर थे, बड़ी कश्मीर का जो समस्या है वो चलती रहती थी, वो तो अभी भी चली रही है थोड़ी, तो उनको बहुत बुरा लगता था, इतने हमारे सैनिक, ऑफिसर, कैप्टन, ये सब मर रहे हैं, इनकी जान जा रही है। तो वो कहते हैं कि अब हमने पेपर पढ़ना ही छोड़ दिया,
क्योंकि पढ़ते ही क्या है, ज्ञान होता है, और वो ज्ञान का विषय तो कोई अनुकूल नहीं है। तो उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं कि ज्ञाता सुखी दुखी होता है, विषय कैसा है उसके ऊपर। तो तीन चीजें हमने बताई, एक तो ज्ञाता में क्रिया है, नोइंग जानने की क्रिया है, दूसरा इस ज्ञाता में प्रयत्न है, तीसरा ज्ञाता पर विषय का प्रभाव पड़ता है, चौथी बात हम जब जानते हैं विषयों को तो करण सापेक्ष वो ज्ञान होता है, करण के बिना हम ज्ञाता नहीं बन सकते। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए, तो वह है बुद्धि, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिया। ये जब तक नहीं होंगे तब तक मैं ज्ञाता बन ही नहीं सकता। बुद्धि के बिना किस चीज का ज्ञान होगा, बुद्धि चाहिए, फिर ज्ञानेंद्रिय चाहिए, आँख कान नाक कुछ भी नहीं है तो कैसे बाहर के विषय अपने भीतर प्रवेश करेंगे, सारे द्वार ही हमने बंद कर दिए। ये जो प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार का ये अर्थ होता है ध्यान में हमको ये सारे द्वार बंद करने चाहिए, क्योंकि ध्यान में हमको हमारा ध्यान बाहर नहीं भटकाना है। तुलसीदास जी ने भी कहा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां बैठे करी सुर थाना, आवत देखी विषय बयारी। बड़ा उन्होंने काव्यात्मक वर्णन किया, बोले इंद्रिया है, इंद्रियों के भीतर एक एक देवता बैठी हुई है, देवता बैठे हैं, और जब विषय की हवा चलती है तो ये देवता क्या दरवाजे खोल देते हैं तो सारे विषय अंदर आ जाते हैं। अर्थ ये है कि यदि हमको आत्म ध्यान करना है तो ये इंद्रिय द्वार को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। इसलिए कठोपनिषद में परसों ही गुरुजी बता रहे थे, आवृत्त चक्षु परांचिखानी व्यतिरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छा। तो कहते कोई कोई ही है जो सारे इंद्रियों को बंद करके जो अमृत आत्मा है उसको देखते हैं। खैर, तो यहाँ पे हम बता ये रहे हैं कि यदि इंद्रिय न हो, अंतकरण न हो, तो ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञाता जो है वो करण सापेक्ष है, इस करण के ऊपर डिपेंडेंट है, करण के बिना लंगड़ा है, कुछ कर ही नहीं सकता। मुझको जानना तो है, अब मुझको देखना है लेकिन आँख ही नहीं है, सुनना है लेकिन कान ही नहीं है। तो मैं जो ज्ञाता हूँ, इस ज्ञाता को बहुत सारी चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो देखो, ये तो ज्ञाता की बात हो गई, अब आइए साक्षी के ऊपर। साक्षी जानता है, साक्षी शब्द का अर्थ होता है साक्षात ईक्षते, तो सीधे देखता है, यहाँ देखने का अर्थ है जानना। व्यवहार में भी हम कई बार ये जो देखना क्रिया है उसका अर्थ हम जानना ही लेते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं आई सी, मतलब क्या, समझ गया मैं। तो साक्षी जानता है सीधे, ये पहली बात है, सीधे जानता है मतलब इसको किसी करण की अपेक्षा नहीं है। आत्मा के सामने जो चीज आती है वो जानी जाती है, उसको जानने के लिए किसी साधन को खोजना नहीं पड़ता। देखो, अब बिल्कुल अनुभव की बात है, हमारे सामने जो वृत्तियां आती है, क्रोध लोभ ईर्ष्या वगैरह, उसको हम तुरंत जानते ही नहीं। उसके लिए किसी साधन की जरूरत है क्या कि नहीं पहले जरा लाइट लगाइए फिर हम जानेंगे, आंख खोलेंगे फिर हम जानेंगे। मैं जो जानता हूं सीधे जानता हूं साक्षात, मतलब मुझ में और अनुभव का विषय, इसमें बीच में किसी का भी इंटरफियरेंस हस्तक्षेप नहीं है, न किसी पर निर्भरता है। इसलिए ये शब्द ही ऐसा गढ़ा है साक्षी। दूसरी बात आप देखिए, जब हम जानते हैं
वृत्तियों को, तो वह कैसा बिना प्रयत्न के जाना जाता है। वृत्ति आई नहीं कि जान ली गई, उसमें मेहनत नहीं लगती कुछ, लेकिन ज्ञाता जब जानता है तो वो तो प्रयत्न पूर्वक। तो ये यहां फर्क है, जो वृत्ति सामने आई सीधी जान ली। इसलिए आप देखते हैं आत्मा में कोई थकावट नहीं है। आत्मा ऐसा नहीं कहता कि वे थक गया, इतने 60 सालों से मैं सारी वृत्तियों को देख रहा हूँ, या शरीर इत्यादि का मैं साक्षी बना बैठा हूँ, उसको जानने में बहुत प्रयत्न लग रहा है, ऐसा वो कभी नहीं कहता, या हमको कभी अनुभव आता नहीं। लेकिन हाँ, जब हम बुद्धि लगा के जानते हैं तो फिर 1 घंटे के प्रवचन के बाद कहते हैं बस पूर्ण मदम, क्या इसका अर्थ हुआ, थकावट आ जा हो जाती। लेकिन आत्मतत्व जब जान रहा है विचारों को, भावनाओं को सहज, एक्चुअली उसको जानना, ये ज्ञातृत्व भी उसमें है नहीं वास्तव में देखा जाए, क्योंकि जानने की क्रिया वहां नहीं है। लेकिन अब ऐसा बोलना पड़ता है कि वृत्तियों को जान रहा है, थोड़ा बेटर शब्द, बेहतर शब्द है, वृत्तियों का वो प्रकाशन कर रहा है। बस प्रकाशन शब्द में एक बात ध्वनित होता है कि उसमें कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं है, जो चीज आ रही है जानी जा रही है ऐसा बोलिए। लेकिन ज्ञाता क्या है, जानता है, और यहां पे जानी जा रही है। थॉट्स आर नोन विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयत्न के। और अंतिम बात, साक्षी के ऊपर इन वृत्तियों का जो स्वभाव है या स्वरूप है उसका प्रभाव साक्षी पर नहीं पड़ता। क्रोध वृत्ति आने से आत्मा क्रोधी नहीं होता। हमको एक क्षण के लिए लगता है कि मैं क्रोधी हो गया, लेकिन वो क्रोधी होता नहीं। सीधा सा तर्क है, यदि मैं वहां पे क्रोधी हो जाता तो फिर मैं लोभी नहीं बनता। होता यह है कि क्रोध की वृत्ति आती है और क्रोध की वृत्ति से कुछ क्षण के लिए हमारा संग हो जाता है। संग होता नहीं, होता सा लगता है आत्मा का, तो लगता है कि आत्मा ही क्रोधी हो गया। क्रोध की उपाधि से आत्मा क्रोधी लगता है, लेकिन ये वृत्ति, ये जो उपाधि है या वृत्ति है, टिकने वाली तो नहीं है। क्रोध की वृत्ति चली गई तो मैं जो क्रोधी लग रहा था वो भी गया। इसका स्वामी जी उदाहरण देते रहे, जैसे भगवान शंकर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अखंड अभिषेक हो रहा है, हाँ, 11 द्रव्यों से, 9 द्रव्यों से, दूध दही पंचामृत से स्नान करते, सारा अभिषेक होता है और सब बह जाता है शिवजी अपने जस के तस। ऐसे ही ये आत्मतत्व शिवजी है, उसके ऊपर ये वृत्तियों का एक अभिषेक हो रहा है। और जैसे शिवजी असंग है, वैसे ये आत्मतत्व भी असंग है, चैतन्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं। तो देखो कैसा फर्क हो गया, अहम जो ज्ञाता है और साक्षी जो ज्ञाता है, इसमें बड़ा भारी फर्क है। अच्छा, अब एक और शब्द दे दें, जब ये ज्ञाता विषयों को जानता है और विषयों से प्रभावित हो जाता है, तो हम अभी जैसे हमने कहा मैं सुखी हो गया, दुखी हो गया, इसको एक और शब्द नया दे देते हैं, इसी ज्ञाता को बोल देते हैं भोक्ता, क्योंकि उसने केवल उस विषय को जाना ही नहीं बल्कि विषय का भोग किया। भोग किया मतलब प्रभावित हुआ। तो जब ज्ञाता विषयों से बड़ा प्रभावित होता है तो उसका एक नया नाम दे देते हैं, भोक्ता। थोड़ा कम प्रभावित होता है तो बोल दीजिए ज्ञाता, और बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होता तो वो हो गया साक्षी।
साक्षी तो असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहम अव्ययः। ये साक्षी है। थोड़ा यदि हम आसक्त हो जाए विषयों में और विषयों को जाने तो हम बन गए ज्ञाता। देखो जो समझदार व्यक्ति होता है वो भी जानता है, बुद्धिमान भी, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा विषयों से प्रभावित होने नहीं देता, ज्ञाता है। और जो बहुत ही ज्यादा उसमें आसक्त हो गया, जिसका बहुत ज्यादा संग हो गया विषय से, तब तो वो क्या बन गया, भोक्ता। तो ये तीनों में ज्ञातृत्व है, ध्यान सुनना, तीनों में ज्ञान हो रहा है लेकिन ज्ञान का प्रकार अलग है। साक्षी में ज्ञातृत्व नहीं है, सहज ज्ञान है। साक्षी में ज्ञान है, क्रिया नहीं है, प्रयत्न नहीं है। ज्ञाता मतलब जो अहंकार जो ज्ञाता बना हुआ है उसमें ये सारी चीजें आ जाती है। इस तरह यहां पर कहा कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ज्ञाता ये साक्षी है और बिना प्रभावित हुए वो जानता है। अब किसी ने कहा महाराज थोड़ा सा ये बता दीजिए कि सुषुप्ति किसको कहते हैं। आप कह रहे हैं सुषुप्ति में साक्षी जानता है पूरी सुषुप्ति अवस्था को और वो कहता है यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन सुषुप्ति कहते हैं किसको, ये थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए। सुषुप्ति और जागृत और स्वप्न इनमें क्या भेद है, इनमें क्या अंतर है? तो देखिए 12वें श्लोक में इसी का वर्णन है। विज्ञान विरति सुप्ति तज्जन्म स्वप्न जागरौ तत्साक्षिण कथम मे स्युः नित्य ज्ञानस्य ते त्रयः। विज्ञान विरति सुप्ति तज्जन्म स्वप्न जागरौ तत्साक्षिण कथम मे स्युः नित्य ज्ञानस्य ते त्रयः। हाँ कहते हैं देखो नींद तो हम सबको अच्छी लगती है, नींद का अनुभव भी हमको होता है, लेकिन नींद का विश्लेषण हम कभी नहीं करते कि आखिर है क्या ये नींद। लोग कहते हैं हम थक गया हूँ बस अब मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन सोने जा रहा हूँ मतलब क्या तुम करने जा रहे हो, उस अवस्था में क्या हो रहा है उसका विश्लेषण विवेचन कोई करता नहीं। ज्यादा से ज्यादा स्वप्न तक हम जाते हैं, स्वप्न के बारे में लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है, ये स्वप्न हमने देखा इसका क्या अर्थ है या स्वप्न कैसे दिखता है, इसके ऊपर थोड़ी उत्सुकता होती है। लेकिन सुषुप्ति मतलब क्या, बस आंख बंद कर लेना और बिस्तर पर लेट जाना। लेकिन यहां पर बहुत ही अच्छी परिभाषा एक शब्द दिया है, केवल एक शब्द क्या है, तो लिखा विज्ञान विरति सुप्ति। बस विज्ञान से, विज्ञान का जहां अभाव है, विज्ञान का जहां अभाव है ऐसी अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति। अब यहां पर विज्ञान का शब्द साइंस नहीं, शब्दों में एक कमी होती है कि संदर्भ और प्रसंग के अनुसार अपने अर्थ बदलते रहते हैं। विज्ञान का यहाँ पर अर्थ जो हम पढ़ते हैं साइंस वो नहीं, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। वृत्तियों में विषय आ रहा है और विषयों का जो सतत ज्ञान हो रहा है इसी को कहते हैं विज्ञान। ये एक वृत्ति धारा, आप देखो पूरे जागृत अवस्था में वृत्ति धारा चल रही है, विज्ञान धारा इसको कहते हैं। इसलिए बौद्ध दर्शन में उन लोगों ने माना है कि ये बस वृत्ति ही अंतिम सत्य है, ये विषयाकार वृत्तियों का प्रवाह जो आ रहा है जा रहा है बस यही है। इसलिए बौद्ध दर्शन में एक मत है उसका नाम ही है क्षणिक विज्ञानवाद। वो कहते हैं यही जीवन का सत्य है, यहाँ पे नित्य कुछ नहीं,
ये प्रवाहमान वृत्ति ही आत्मा है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन वेदांत ने इसका खंडन किया है। वेदांत कहता है कूटस्थ नित्य है, जो इन सारे विज्ञान धारा का दृष्टा है, जिसका वर्णन अभी हमने देखा। तो कहते हैं नींद में क्या होता है, विज्ञान विरति, ये जो घटाकार पटाकार वृत्ति जागृत अवस्था में आ रही है, घटाकार पटाकार मतलब ये कहने के लिए, विषयाकार को बोल देते हैं घट, कभी घट आया कभी पट आया कभी मठ आया, अब आप जोड़ दीजिए, हाँ कभी वृक्षाकार वृत्ति कभी मानवाकार वृत्ति, बिना विषय के वृत्ति होती नहीं, ये ध्यान से सुनिए। वृत्ति मतलब क्या, विषय प्लस चेतन, विषय होता है और ज्ञान होता है, तब हम कहते हैं वृत्ति है। तो अब पूरी जागृत अवस्था में तो ये हो रहा है। अच्छा, स्वप्न में भी विषय तो है, मानसिक विषय है वहां, तो वहां पर भी वृत्तियां हैं, विज्ञान धारा वहां भी कंटिन्यू है। इसलिए लिखते हैं कि विज्ञान विरति सुप्ति तज्जन्म स्वप्न जागरण, जहां विशेष ज्ञान का उदय हुआ, विशेष वृत्ति का उदय हुआ, स्टार्ट या स्वप्न है या फिर जागृत। तो स्वप्न और जागृत एक कैटेगरी में आ गए, एक श्रेणी में, जहां विशेष ज्ञान हमको हो रहा है। लेकिन जब इस विशेष ज्ञान का अभाव हो गया, वो हो गई क्या, नींद। इसलिए नींद की परिभाषा परसों शायद हमने बताई थी, अभावाकार प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, योग सूत्र की परिभाषा है। अभावाकार प्रत्यय, वहां पर वृत्ति में कोई विषय ही नहीं है, शून्य, और हम उस शून्याकार वृत्ति से इतने एक रूप हो जाते हैं कि हमको लगता है मैं ही क्या हो गया, शून्य। तो फर्क यहां पे बताया कि सुषुप्ति में शून्य है, विषय का अभाव है, वृत्ति धारा नहीं है, लेकिन स्वप्न और जागृत में कुछ ना कुछ विशेष ज्ञान है। अच्छा, अब यह कहते हैं कि तत्साक्षिण कथम मे स्यु नित्य ज्ञान से तेत्र, कल इसको थोड़ा सा हम विस्तार से बताएंगे, केवल एक पंक्ति बोल के पूर्ण करते हैं। ये जो अभाव है सुषुप्ति का और स्वप्न और जागृत का, जो भावाकार वृत्ति है, इन दोनों का ज्ञान हो रहा है साक्षी को, और वो कैसा है, नित्य ज्ञान, इसी को हमने कहा था कूटस्थ, कल देखेंगे। इसको कहते हैं सामान्य ज्ञान। साक्षी में क्या है, सामान्य ज्ञान है, बुद्धि में कौन सा है, विशेष ज्ञान है। तो ये विशेष ज्ञान आता जाता है, लेकिन सामान्य ज्ञान वैसे ही रहता है, मैं हूं, तो उसका और कोई ज्ञाता नहीं है। विशेष ज्ञान या विज्ञान का तो जानने वाला साक्षी है, लेकिन अभी साक्षी का और जानने वाला कोई नहीं है। साक्षी स्वयं में ही कैपेबल है, समर्थ है, उसको और जानने की जरूरत नहीं। यदि साक्षी को भी जानने वाला कोई होगा तो फिर वो साक्षी रहेगा ही नहीं, फिर वो भी क्या बन जाएगा, विषय बन जाएगा। तो यहां पर इस विषय को उन्होंने उठाया कि सुषुप्ति मतलब विज्ञान का अभाव, जागृत और स्वप्न में विज्ञान है, ये विशेष ज्ञान है, एक जगह विशेष ज्ञान है, एक जगह विशेष ज्ञान का अभाव है, लेकिन साक्षी कैसा है, दोनों का प्रकाशक है, वो हम देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।